अब तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई ना, चलो अब लाओ मेरा अमृत रस फूल। फूल? ओ हाँ, इसलिए तो कल तुम मेरे साथ सोए थे। अब बकवास मत करो और जल्दी वो फूल मुझे ला कर दो। चलो मेरे साथ। चुड़ैल उसको जंगल में ले जाती है। जंगल में एक गुफा होती है, वो दोनों उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर उन्हें दिखाई देता है जाओ जाके फूल ले आओ। यहाँ तो चारों तरफ आग ही आग है, मैं वहाँ कैसे जाऊँ? चलो तुम बच जाओ, मैं जाकर लाती हूँ। चुड़ैल आग से गुजरती हुई जाती है, तभी वहाँ पर एक खूंखार जानवर प्रकट हो जाता है। वो चुड़ैल की ओर देखकर दहाड़ता है। चुड़ैल उसकी दहाड़ से नहीं डरती, जानवर चुड़ैल को निकलने ही वाला होता है। तभी थंडर बॉय अपने अस्त्र के साथ एक ऊंची छलांग लगा देता है और उस जानवर का खेल खत्म कर देता है। तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए थैंक यू। मैंने ये बस सिर्फ फूल लेने के लिए किया, ठीक है? जो भी है, चलो अब फूल लो और निकलो यहाँ से। क्या पता कब यहाँ कोई और जानवर अटपके। थंडर बॉय फूल को ले लेता है। ओए चुड़ैल, इस फूल के रस से मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ रे भूत, हो जाएगी। अच्छा, अब बदतमीजी से बात कर रही है? जैसे को तैसा। थंडर बॉय अपने घर आ जाता है और अपनी माँ को उसका रस पिला देता है। उसकी माँ रस पीने के बाद और भी अजीब बर्ताव करने लगती है। अब वो किसी जोंबी जैसी बनने लगी थी। ये देखकर थंडर बॉय बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो फिर से उस तांत्रिक के पास चला जाता है। तांत्रिक, तांत्रिक, मेरी माँ की तबीयत तो लगता है और भी ज्यादा खराब हो गई। चिंता मत कर, ये नॉर्मल है। पहले तेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी। थंडर बॉय को ये बात हजम नहीं होती, उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वो फिर से उस कुएं में चला जाता है। अब यहाँ क्या मरने आया है? मैंने तुझे मेरी बेटी की वजह से माफ कर दिया, जा अब वापिस चला जा। वो यार, मेरी माँ की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई है, क्या वो सही हो जाएंगी? अब वो कभी सही नहीं होगी। पर क्यों? उस तांत्रिक ने तो कहा था कि वो सही हो जाएंगी इस फूल से। तू अभी तक नहीं समझा? ओह, इसका मतलब कि उस तांत्रिक ने मुझसे झूठ बोला। उसने तो मुझे यहाँ मरने के लिए भेजा था, पर उसने ऐसा किया क्यों? अब मैं क्या बोलूं? हाँ, अब सब समझ आ गया। ये तुम्हारी ही एक चाल थी। जा, अब चला जा, नहीं तो तू मारा जाएगा। भूत अंकल, मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन तू मरेगा तो मेरे ही हाथों से, आज नहीं तो कल। जा रे जा, मुन्ना जा। थंडर बॉय सीधा तांत्रिक के पास जा पहुंचता है। तांत्रिक, मुझे तेरे सच का पता चल गया। तूने ही मेरी माँ की ये हालत की, अब तू ही मेरी माँ को सही करेगा। भला मैं क्यों सही करने लगा? क्योंकि अगर तूने सही नहीं किया तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। अगर तू मुझे मार डालेगा तो तेरी माँ कभी भी ठीक नहीं होगी। थंडर बॉय को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। और वो तांत्रिक को अपने अस्त्र से जान से मार डालता है। पर वो तांत्रिक फिर से खड़ा हो जाता है और बोलता है, तूने क्या समझा था कि मैं कोई आम तांत्रिक हूँ? आखिर तू है कौन और तू वापस जिंदा कैसे हो गया? तभी तांत्रिक एक राक्षस का रूप ले लेता है
मैं कोई तांत्रिक नहीं बल्कि एक राक्षस ही हूँ। मैंने भी अमृत रस फूल खाया था। मैं कभी मर नहीं सकता। थंडर बॉय हैरान हो जाता है। तभी राक्षस थंडर बॉय को एक बोतल में कैद कर लेता है। और फिर इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट करें पार्ट 4 देखना है।